हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। कैट सीखने की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है दोस्तों, और ये है लेक्चर नंबर 17। और इसमें हम लोग मॉडिफाई टूलबार सीख रहे हैं। जैसे कि मॉडिफाई टूलबार में लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे जो टूल्स है रोटेट वगैरह, उसके बारे में रोटेट मैंने बताया था आपको। उसके बाद स्केल बताया था, यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्ट्रेच भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे उसके बारे में बताया था ट्रिम क्या होता है और एक्सटेंड क्या होता है। ये टूल्स हमने सीख लिए थे। अब हम आगे देखने वाले कैट सीखने की सीरीज़ में, ये जो लेक्चर 17 है, इसमें हम लोग ब्रेक एट पॉइंट, देन हम सीखेंगे ब्रेक ऑप्शंस। तो पहले ब्रेक एट पॉइंट क्या होता है और ब्रेक ऑप्शंस क्या होता है। तो यहाँ पे ब्रेक भी है और ब्रेक एट पॉइंट भी है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देख लेंगे। पहले मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। हमेशा मैं रेक्टेंगल पे एक आपको ये कमांड सिखा रहा हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल ईजी ऑब्जेक्ट है और आपको समझने के लिए भी ईजी जा रहा है, इसलिए मैं रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट मैंने जब भी ड्रॉ किया, तो भी हमेशा नोटिस करो मैं कहाँ से ड्रॉ करो, ये पॉइंट से, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये कॉर्नर से, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे नीचे आ रहा। सो ये मेरा स्टार्टिंग कॉर्नर है रेक्टेंगल का। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ब्रेक, ब्रेक एट पॉइंट, सॉरी। सो ब्रेक एट पॉइंट में मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट को कहाँ से ब्रेक करना है आपको। अभी ये रेक्टेंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा, सो ऑब्जेक्ट को कहाँ से ब्रेक करना है रेक्टेंगल को, आप उस पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रेक करना चाहता हूँ, तो हमारा स्टार्टिंग तो हमेशा यहाँ पे होता है। पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए था, दूसरा पॉइंट हमने क्लिक किया, वहाँ से ये लाइन दिखाई दे रहा है आपको, अलग हो चुका है, डिलीट करके आप अलग निकाल सकते हैं इस तरह से। सो ये ब्रेक करने के बाद अगर अलग अलग होते इस तरह से, तो इसे ज्वाइन करना है। अब ये अलग सिलेक्ट हो रहा है, ये अलग सिलेक्ट हो रहा है, दोनों को ज्वाइन करना है। सो ज्वाइन के लिए ये ब्रेक एट पॉइंट के नीचे, ब्रेक के बाद ये ज्वाइन है। ब्रेक तो मैंने बताया नहीं अब तक आपको, लेकिन ये ज्वाइन देख लीजिए पहले। ज्वाइन इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, दोनों भी क्लिक करिए, फिर राइट क्लिक करिए, ये ज्वाइन हो चुका है। कैसे पता चलेगा, एक ही क्लिक पे दिखाई देगा, लेकिन ये पॉइंट वैसे रहेगा यहाँ पे दोस्तों, ये पॉइंट वैसे रहेगा, ये बाउंड्री नहीं है, ज्वाइन हो चुका है। तो ये आपको लेकिन एक ही क्लिक में दिखाई दे रहा है, ये सिलेक्ट हो रहा है, और आप मूव करके भी देख सकते हैं, ये पूरा एक साथ मूव हो रहा है। सो इट मीन्स दैट ये ज्वाइन ज्वाइन करता है उस ऑब्जेक्ट को जो ब्रेक एट पॉइंट से ब्रेक होता है। अब उसके बीच में ये ऑप्शंस क्या है, ज्वाइन और ब्रेक एट पॉइंट के बीच में ब्रेक है, ये ब्रेक क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के पहला पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ पे क्लिक था, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लिक है, इसमें ब्रेक कर देगा। सिंपल है, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक और ब्रेक एट पॉइंट में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ब्रेक आपको जो दो पॉइंट्स आप मेंशन करोगे उसके बीच में इस तरह से ब्रेक हो जाए। सो ब्रेक को ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं होता, आपको इसमें लाइन डालनी होगी और उसके बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसे लाइन डालिए और लाइन स्ट्रेट डालने के बाद फिर ज्वाइन कमांड यूज़ करके इस लाइन को उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं आप इस तरह से। राइट क्लिक, ये ज्वाइन हो चुका है सब एक साथ। सो ये ब्रेक, ब्रेक एट पॉइंट और ज्वाइन, इस तरह से कमांड यूज़ करना है। यहाँ पे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि ये पॉइंट्स एक के नीचे एक यहाँ पे है राइट साइड में। ये कमांड खत्म होने के बाद, मतलब ये कमांड प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है आगे, चैम्पर करना है। चैम्पर और आपके पास फिलेट है। सो चैम्पर और फिलेट क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ अभी। तो चैम्पर और फिलेट यूजफुल ऑप्शन है, इसके लिए पहले रेक्टेंगल आप ड्रॉ करिए। अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए हमेशा। तो ये रेक्टेंगल जब मैं ड्रॉ करूँगा, अभी मैं रैंडमली राइट कोई भी रेक्टेंगल में ले नहीं रहा हूँ, यहाँ पे डायमेंशंस में यहाँ पे दे रहा हूँ, डी इंटू 20 बाय 10। अब मैं 20 बाय 10 का डायमेंशन का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर चुका हूँ, और मैं चैम्पर ऑप्शन जब लूँगा तो आपको यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, जैसे चैम्पर लेंगे आप यहाँ पे। सो यहाँ पे पहले है चैम्पर के लिए ये दिया है सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, और यहाँ पे दिया है कि डिस्टेंस एंगल ट्रिम मेथड मल्टी लाइन। आपको यहाँ पे डिस्टेंस 1 क्या दिया है 0, डिस्टेंस 2 क्या है 0। सो डिस्टेंस कोई इंटर ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट लाइन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पे देना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आप एंटर करोगे डी, दो डिस्टेंस देने हैं आपको, क्योंकि आप दो लाइन पे क्लिक करने वाले हो। सो दो डिस्टेंस कैसे होंगे, मैं यहाँ पे डिस्टेंस एंटर कर रहा हूँ, 3 एंटर और 3 एंटर। मैं 3 क्यों दे रहा हूँ ये भी बताता हूँ आपको, क्योंकि ये जो मैंने रेक्टेंगल लिया है वो 20 बाई 10 का है। सो 3, 4, 5 इसके बीच के कोई भी चैम्पर्स आप देते हो तो ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5
इस तरह से आपका कब तक चैम्पर, मतलब 10 तक आप यहाँ पे दे सकते हैं वो प्रॉपरली चैम्पर दिखाई दे, 10 से ज़्यादा देंगे तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा चैम्पर दिखाई देगा। सो 20x10 का ऑब्जेक्ट है तो ना उस डायमेंशन से नज़दीक का आपको चैम्पर का डिस्टेंस देना है या उससे दूर का नहीं देना है, उसके अकॉर्डिंग चैम्पर दिखाई दे प्रॉपरली ड्राइंग के ऊपर, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना है, ये डिस्टेंस देने हैं। तो मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ यहाँ पे, तीन तीन एंटर किया है और मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ तीन तीन का किस तरह से है। चलो अच्छा मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको ज़रा, CHA चैम्पर का शॉर्टकट की है CHA एंटर। अब मैं D एंटर कर रहा हूँ, डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ 0.1 एंटर 0.1। अब मैंने बहुत 20 से बहुत दूर का जो डायमेंशन है वो ले लिया, तो आपको यहाँ पे चैम्पर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, समझ में आपको क्या हो रहा है। सो आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट 20x10 का है उसका चैम्पर कितना रहना चाहिए वो आपको समझना है। 0.1 का तो नहीं चलेगा, 2, 3, 4, 5 का चैम्पर प्रॉपरली दिखाई देगा आपको स्क्रीन के ऊपर। सो चैम्पर यहाँ पे प्रैक्टिस करते समय ये याद रखना है, लेकिन जो जैसे आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए जो चैम्पर बोला है वो तो वहाँ पे वैसे देना होगा आपको। CHA एंटर, फिलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ कि चैम्पर आप कैसे लोगे। 4 एंटर 4 एंटर, अब आपको चैम्पर दिखाई दे रहा है ये साइड का 4 एंटर। सो चैम्पर में ज़रूरी नहीं कि दोनों डिस्टेंस आपके सेम हो जाए, मैंने यहाँ पे अंडू कर दिया है, ये रेक्टेंगल ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया, कंट्रोल जेड अंडू, यू नो दैट। और यहाँ पे CHA एंटर कर रहा हूँ, मैं डी एंटर कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिस्टेंस में दोनों सेम देने ज़रूरी नहीं है, एक का डिस्टेंस 3 दिया एक का 6 दिया आपको चैम्पर दिखाई दे रहा है। एक बात याद रखना है, जो पहले क्लिक करूँगा वो आएगा 3, दूसरे क्लिक करूँगा वो आएगा 6। चलिए चेक करते हैं, अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। कमांड है DLI और DLI में ये चेक हो रहा है यहाँ पे इसका डायमेंशंस कितना आ रहा है 3। जो पहले क्लिक किया था मैंने बोला था 3 आएगा और दूसरा क्लिक किया था मैंने इस लाइन पे, इसलिए 6 आ रहा है। सो इस तरह से ये DLI करके मैंने आपको दिखाया डायमेंशंस, क्लियर है। सो ये चैम्पर इस तरह से कर सकते हैं आप, चैम्पर को और ऑप्शंस के साथ मैं आपको बताता हूँ। CHA इंटर, डी इंटर, 3 इंटर 3 इंटर डिस्टेंस दिया, इसके बाद अब मैं एक बार क्लिक करूँगा तो ये चैम्पर होगा, फिर मैं रिपीट कमांड करूँगा ये चैम्पर एक एक करूँगा। तो इससे अच्छा मैं M एंटर कर रहा हूँ, M स्टैंड फॉर मल्टीपल। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मेरा चैम्पर का कमांड चालू है और मैं इसे भी चैम्पर कर पा रहा हूँ और इसे भी कर पा रहा हूँ, सब एक एक करके कर सकता हूँ। अच्छा लेकिन इसके लिए 4 अलग अलग क्लिक करने पड़े ना, एक इधर क्लिक करो हर एक लाइन के, 2 लाइन के बीच में क्लिक कर दो हर एक। सो इससे और क्या है, एक ही बार क्लिक करें तो होगा कि नहीं होगा, होगा कैसे होगा। चैम्पर का डिस्टेंस दीजिए, CHA इंटर, डी इंटर, 3 इंटर 3 इंटर कर दिया, इतना हो गया चैम्पर डिस्टेंस 3 इंटर 3 इंटर। और मैं अभी पी इंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको पी और एम का मतलब बता देता हूँ। यहाँ पे जूम करो, पी स्टैंड फॉर पॉली लाइन एंड एम स्टैंड फॉर मल्टीपल। सो पी मैंने एंटर कर दिया है, अब आपको दिखाई देगा यहाँ पे चैम्पर किस तरह से हो रहा है। एक ही बार क्लिक करो, 2 लाइन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, पूरा रेक्टेंगल चैम्पर हो चुका है। और यही नहीं, यहाँ पे आप पॉली लाइन ड्रॉ कर दो, रेक्टेंगल ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मैंने रेक्टेंगल दिखाया कि ये चैम्पर इफेक्ट कैसे कर रहा है आपको समझने के लिए, बट मैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पॉली लाइन से इस तरह से कुछ भी लाइन्स बना रहा हूँ, कुछ भी, कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। सो नाउ अप्लाई द चैम्पर, CHA इंटर, डी इंटर, 2 एंटर 2 एंटर, 2 का चैम्पर दिया मैंने, और पी एंटर पॉलीलाइन। नाउ चेक इट आउट, यू विल गेट चैम्पर ऑन एवरी कॉर्नर, है ना, लाइक जहाँ जहाँ कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है वो सभी कॉर्नर पे चैम्पर ऑप्शंस अप्लाई हो चुका है। चैम्पर डिस्टेंस के हिसाब से अप्लाई हो जाएगा, वहाँ पे कम डिस्टेंस रहेगा, कम एंगल रहेगा, उसके बीच में तो चैम्पर अप्लाई होने वाला नहीं है। सो ये क्लियर है चैम्पर ऑप्शंस किस तरह से करते हैं कैड के अंदर। सो चैम्पर की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन फिलेट यहाँ पे बाकी वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं। सो रेक्टेंगल ज़रूरी है इसके लिए भी, डी इंटर वाला रेक्टेंगल, 20x10 का रेक्टेंगल ये मैंने ले लिया है, क्लिक किया, जेड इंटर, ई इंटर किया। अब इसमें मैं फिलेट कमांड आपको बता रहा हूँ, फिलेट कमांड यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप, फिलेट है सॉरी यहाँ पे फिलेट कमांड है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे डायमेंशंस क्या इंटर करना है, रेडियस देना है, रेडियस क्या इंटर करना है, देखो सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट कमांड दिया है, क्या कमांड है, रेडियस कमांड दे दो आप। अब रेडियस देना है आपको यहाँ पे, रेडियस मल्टीपल भी है पॉलीलाइन भी है। अब मैं रेडियस बता देता हूँ आपको, तो R एंटर करिए, रेडियस दे दिया है और रेडियस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2.5 एंटर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या हो रहा है देखो, फिलेट
लेट्स चेक इट आउट, फिलेट कॉर्नर किस तरह से करा है। अंडू कर देता हूँ, फिलेट मैं दोबारा करना चाहता हूँ, उसके लिए शॉर्टकट की एप एंटर फिलेट, एप एंटर फिलेट, आर एंटर रेडियस, और रेडियस में मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे 3, सो 3 एंटर, और उसके बाद मैं अभी एम एंटर करूँगा, एम मतलब मल्टीपल, एक कॉर्नर यहाँ पे है, एक कॉर्नर यहाँ पे, चैम्पर की तरह ही है दोस्तों ये, इस तरह से आप कर सकते हैं, चारों भी कॉर्नर कर सकते हैं। मैंने एस्केप किया, कमांड कैंसिल, और अंडू भी कर दिया। फिर मैं आपको एफ एंटर बता रहा हूँ, फिलेट, आर एंटर रेडियस, रेडियस दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 5, और उसके बाद मैं ले रहा हूँ पॉलीलाइन पी, और इस तरह से, सो पॉलीलाइन का दिखाई दे रहा है फिलेट किस तरह से हो रहा है। सो आपको मैं एक दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सपोज स्क्वायर है, स्क्वायर है नहीं, हाँ, ऑल दी साइड्स आर सेम, सी आ, सो 10x10 का स्क्वायर लिया मैंने, और मैं अभी ले रहा हूँ फिलेट, एफ एंटर, आर एंटर, रेडियस में 5 का दे रहा हूँ, और पी एंटर कर रहा पॉलीलाइन, तो अभी देखो क्लिक, सो इट लुक्स सर्कल, बट ये सर्कल तो है नहीं है, मैंने हम इसे सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, रेक्टेंगल था, और उसे फिलेट करके हमने सर्कल कर दिया है, क्योंकि ये 10 रेडियस का था, तो मैंने 10 डिस्टेंस था इसका, लेंथ और विड्थ का, स्क्वायर का, और उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। सो इस तरह से ये फिलेट यूज़ होता है, और फिलेट के बाद में यहाँ पे एक्सप्लोर ऑप्शन दिया है, और जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, ये क्लिक करेंगे तो लाइन अलग अलग होती है एक्सप्लोर के लिए, एक्स एंटर शॉर्टकट की है, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, एक्सप्लोर यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मॉडिफाई टूल बार हमारा कवर हो चुका है दोस्तों, ड्रॉ और मॉडिफाई ये दोनों भी हमने टोटल इतने वीडियोज़ के अंदर कवर कर लिया है। सो ये सब आपको अगर प्रॉपरली आना चाहिए ऐसा लगता है, तो प्रैक्टिस इज ओनली की दोस्तों, प्रैक्टिस ही करो, दैट्स इट। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करिए, क्योंकि सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद आपको मिलेगी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन, लेकिन वो बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब के बाजू में जो आता है वो घंटा जरूर बजाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर आपको बाद में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों।